आज का हमारा टॉपिक है इनकम इफ़ेक्ट। यदि कंज्यूमर की इनकम में चेंजेज आता है, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है और एक्स और वाई के प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, एक्स और वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, तो बताइए इसका जो है डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसमें तीन केस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमारा टॉपिक है, जिसमें हम मानते हैं कि कंज्यूमर मार्केट गया है और ओनली टू गुड्स परचेज करने के लिए, तो उसे दो कॉमोडिटीज के कुछ कॉम्बो चाहिए, ठीक है। तो इसमें तीन केस हैं। पहले केस में हमने ये माना है कि एक्स और वाई दोनों सुपीरियर हैं, दोनों अच्छे जो है गुड्स हैं, तो उस समय कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा। यदि एक्स सुपीरियर है और वाई इन्फीरियर है, वाई घटिया है, तो उस समय कंज्यूमर क्या रिएक्ट करेगा, उसका क्या बिहेवियर होगा। और अगर एक्स को हमने इन्फीरियर मान लिया, वाई को सुपीरियर मान लिया, तब कंज्यूमर का क्या रिएक्ट होगा, तो ये रिएक्ट हमें समझना है, ठीक है। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे अगर दोनों सुपीरियर हैं तो वो दोनों की क्वांटिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनकम इफेक्ट है, इसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र बनाइए, तो तब भी हमें यही आंसर समझाना है, ठीक है। तो ये जो मैं ऊपर को जो है अपवर्ड जो ऊपर को पॉजिटिव स्लोप वाला जो कर्व बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने पे कंज्यूमर ने एक्स की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है और वाई की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, तो ये उसका रिएक्शन होगा, ये उसका कंज्यूमर का बिहेवियर होगा। वो दोनों सुपीरियर हैं इसलिए इनकम बढ़ने पे दोनों को बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे करके नीचे को आता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व, इसका मतलब है इनकम बढ़ने पे कंज्यूमर ने पहले दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाया है, उसके बाद उसने वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया है और एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्योंकि एक्स यहाँ पे सुपीरियर है और वाई इन्फीरियर है। तो इनकम के बढ़ने पर कंज्यूमर जो है जो लो क्वालिटी की चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम कर देगा और जो सुपीरियर हैं उनकी डिमांड बढ़ा देगा, तो ठीक है। तो ये आपको समझना है कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो ये नीचे को जो मूवमेंट है इसका मतलब है एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है और वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया है, ठीक है। तो इस वाले केस में कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसका जो रिएक्शन है वो ये होगा। अगर सपोज करो कि एक्स इस बार जो है लो क्वालिटी है और वाई सुपीरियर है, तो उस समय कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा। पहले कंज्यूमर क्या करेगा, इनकम के बढ़ने पे दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, लेकिन बाद में वो ऊपर को मूवमेंट हो जाएगी। तो ये ऊपर को जो मूवमेंट है इसका मतलब है कि पहले तो उसने दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाया, बट एक समय के बाद उसने वाई की क्वांटिटी बढ़ाई है और एक्स की क्वांटिटी को कम कर दिया है, क्योंकि एक्स यहाँ पे इन्फीरियर है, लो क्वालिटी है, ठीक है। अब हम यही चीज़ जो है इंडिफरेंस कर्व में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो ये है, ठीक है, ए बी। तो पहले कंज्यूमर के पास जो मनी है और मार्केट में जो प्राइजेस गिवन है उससे जो बजट लाइन बना है वो ये है, यहाँ आपने समझना है, ये स्टार्टिंग का बजट लाइन है। अब क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो हम जानते हैं कि जब इनकम बढ़ गई है तो एक्स और वाई दोनों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, तो इसका मतलब है इनकम के बढ़ने से हमें पता है कि बजट लाइन जो है राइट को शिफ्ट हो जाता है। तो इनकम अगर लगातार बढ़ रही है तो लगातार जो है बजट लाइन राइट को शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है, एक्स और वाई को खरीदने की जो पावर है वो बढ़ गई है, जिससे बजट लाइन राइट को शिफ्ट हो गया है। तो तीनों केसेस में हम लोग बजट लाइन को राइट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकम के बढ़ने से बजट लाइन राइट को शिफ्ट हो गया है और लगातार इनकम बढ़ती जा रही है, तो इनकम के बढ़ने का बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बजट लाइन राइट को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है कंज्यूमर का क्या रिएक्ट होगा, अगर एक्स और वाई दोनों सुपीरियर है तो दोनों की क्वांटिटी बढ़ा देगा, ये उसका रिएक्ट है। और इस वाले केस में ये जो कर्व है इनकम कंजम्पशन कर्व, पहले दोनों की क्वांटिटी बढ़ाएगा, फिर एक्स की क्वांटिटी बढ़ाएगा और वाई की क्वांटिटी को कम कर देगा। इस वाले केस में पहले दोनों की क्वांटिटी बढ़ाएगा, फिर वो इस तरीके से मूवमेंट उसकी ऐसे हो जाएगी।
तो ऐसे मूवमेंट का मतलब है वाई की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, एक्स की क्वांटिटी कम कर रहा है, क्योंकि एक्स जो है यहाँ पे इन्फीरियर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को टच करे। तो पहले जो है ये इंडिफरेंस कर्व था, तो यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। फिर इनकम बढ़ने से बजट लाइन A1B1 हो गया, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना पड़ेगा IC2। ठीक है, तो नंबर टू पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। फिर नंबर थ्री IC3, तो ये हमने जो है ICC कर्व बना दिया 1, 2, 3, अगर दोनों सुपीरियर है तो। अगर एक्स सुपीरियर है और वाई इन्फीरियर है तो उसका रिएक्शन ये है। तो ये बजट लाइन पहले वाला था, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर आपको एक इंडिफरेंस कर्व बनाना पड़ेगा कॉनवेक्स जो उसे टच करे। फिर ये इंडिफरेंस कर्व हो गया जो टच करे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 आ गया। लगातार इनकम बढ़ने से इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 आ गया। तो ये इस तरीके से हमें इसको बनाना है। अगर एक्स यहाँ पे इस बार लो क्वालिटी है तो वो वाई की क्वांटिटी बढ़ाएगा और एक्स की क्वांटिटी कम कर देगा। तो पहले बजट लाइन ये था, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, तो यहाँ पे आपको इंडिफरेंस कर्व बनाना है, क्योंकि बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच करेगा और इंडिफरेंस कर्व कॉनवेक्स होगा। तो इस तरीके से हमने इसको समझना है। तो अगर पेपर में आता है कि इनकम इफेक्ट बताइए, तो मैटर आप ऐसे बढ़ाओगे केसेस करके, या आएगा इनकम कंजम्पशन कर्व बनाइए। ठीक है।